यूक्रेन से एक बड़ी खबर आ रही है और इस खबर ने जंग के मैदान में हड़कंप मचा दिया है। पहली बार अमेरिका और यूक्रेन आमने सामने नजर आ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि बखमूत का कोई सामरिक महत्व नहीं है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है कि बखमूत यूक्रेन के लिए बेहद खास है, बेहद अहम। यूक्रेन के एक बड़े जनरल ने भी ज़ेलेंस्की के बयान को सही बताया है, यानी बिल्कुल साफ है अब बखमूत में जंग और भड़कने वाली है। लेकिन रूस के अंदर चेचन्या में भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कादिरव के बेटे ने पुतिन से मुलाकात की है, वो भी तब जब कादिरव बीमार है। पुतिन को एक पल का भी चैन नहीं है। एक तरफ उन्होंने अखंड रूस बनाने का टारगेट सेट कर रखा है और दूसरी तरफ पुतिन के साथियों को लगातार ज़ेलेंस्की टारगेट पर ले रहे हैं। यूरोपियन मीडिया से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कादिरव अब वेंटिलेटर पर है। दरअसल वेस्टर्न मीडिया में ये चर्चा है कि कादिरव जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर हो चुका है। दावा ये किया गया है कि कादिरव को जहर दिया गया है जिसका असर उसकी किडनी पर हुआ है और यूएई के डॉक्टर कादिरव का इलाज कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आ गई है कि आखिर चेचन का राज कौन संभालेगा। सवाल ये है कि कादिरव गंभीर रूप से बीमार है और ऐसे में चेचन का नया शासक आखिर किसको बनाया जाए। इसी सिलसिले में पुतिन ने कादिरव के सबसे बड़े बेटे अकमत से बात की है जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन चेचन में नया लीडर बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ज़ेलेंस्की और नाटो मिलकर चेचन गणराज्य को रूस से छीनना चाहते हैं। ऐसे में रमजान कादिरव के बड़े बेटे अकमत कादिरव को चेचन्या का नया गवर्नर बनाना क्या सही फैसला होगा? यही सवाल अंदर ही अंदर पुतिन और उनकी कोर टीम को परेशान किए जा रहा है। एक तरफ पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन को रूस में मिलाया जाए और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और नाटो चेचन गणराज्य में भी बगावत करके चेचन को रूस से अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ज़ेलेंस्की के साथी और नाटो के सदस्य देश पोलैंड के प्रधानमंत्री मातरूस मोरावेस्की ने जनवरी 2023 में यह बयान दिया था कि चेचन्या एक स्वतंत्र देश होने के योग्य है। इस बयान पर कादिरव बहुत बुरी तरह से भड़क गया था क्योंकि वो पुतिन का बड़ा वफादार है, लेकिन अब वो इस कदर बीमार बताया जा रहा है कि चेचन स्टेट की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है। इसीलिए कादिरव ने पुतिन से ये मांग की है कि अब उसकी जगह उसके बेटे को चेचन स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए। इसी सिलसिले में मार्च के पहले हफ्ते में पुतिन ने कादिरव के सबसे बड़े बेटे अकमत कादिरव से मुलाकात की। पुतिन ने अकमत कादिरव से अकेले में मुलाकात की है, लेकिन दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं इसकी जानकारी भी सामने आ चुकी है जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अकमत के गवर्नर पद की दावेदारी में पेच फंस गया है क्योंकि दिक्कत यह है कि रमजान कादिरव के सबसे बड़े बेटे अकमत कादिरव की उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। पुतिन को यह डर सता रहा है कि कहीं 17 साल के अकमत को चेचन की सत्ता सौंपकर वो ज़ेलेंस्की को एक बड़ा मौका ना दे और चेचन्या के अंदर ही तख्ता पलट हो जाए और चेचन्या बगावत कर दे। दरअसल ज़ेलेंस्की, अमेरिका और नाटो कंट्रीज ने मिलकर चेचन्या को रूस से अलग करने की पूरी तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। चेचन्या में कादिरव की बीमारी का फायदा अब कादिरव के खिलाफ फोर्स बनाने वाले चेचन्या फाइटर्स उठाना चाहते हैं और इसीलिए रमजान कादिरव का झंडा जलाकर शेख मंसूर बटालियन ने जंग का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा प्लानर खुद अमेरिका है, यानी अमेरिका खुद रूस को यूक्रेन के अंदर रोकने के लिए अब रूस के अंदर ही अशांति और विद्रोह पैदा करना चाहता है। चेचन्या एक कबायली इलाका है और वहां पर इस वक्त दो गुट हैं, रूस समर्थक चेचन और रूस के विरोधी चेचन। रूस के समर्थक चेचन कादिरव के समर्थक हैं और रूस के विरोधी चेचन शेख मंसूर बटालियन के लड़ाके हैं। ये हैं वो चेचन लड़ाके जो पुतिन की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। अल्लाहू अकबर।
शेख मंसूर बटालियन। इस बटालियन की सबसे खास बात यह है कि इसके लड़ाके इस्लामिक चरमपंथी हैं। शेख मंसूर बटालियन का लक्ष्य चेचन्या को रूस से अलग करना और एक चेचन इस्लामिक राज की स्थापना करना। कादिरव के खिलाफ बगावत करने वाली शेख मंसूर बटालियन का कमांडर कादिरव को पुतिन का गुलाम बताते हैं। قادروف خائن للأسف طبعا إذا سألتينا لما كنا لنسمح لهذا الأمر بالحدود لشخص كقادروف بأن يمثل الشعب الشيشاني الشيشانيون معروفون بحب الحرية وأناس منفتحون ويقدمون المساعدة لمن يحتاجها ولن نقول إننا جنود أحد أو عبيد لأحد بوتين أيضا اشترى قادروف بوتين أطعمه وجبة جيدة وطلب منه الذهاب واجتياح أوكرانيا चेचन्या के बागी ज़ेलेंस्की के संपर्क में भी हैं। अब ऐसे में चेचन्या के अंदर बगावत सुलग रही है। सवाल यह है कि जब रमजान कादिरव बीमार हैं, तो क्या उसका 17 साल का बेटा अखमत कादिरव चेचन्या की सत्ता को संभाल पाएगा? कादिरव का बड़ा बेटा अखमत कादिरव रूस की सरकार के युवा संगठन की चेचन शाखा का चीफ है। मार्च के पहले हफ्ते में पुतिन ने अखमत कादिरव से मुलाकात कर ये टटोला कि क्या अखमत अपने पिता रमजान कादिरव की तरह मेरे प्रति वफादार रहेगा या फिर नहीं। रमजान कादिरव पुतिन का इतना बड़ा वफादार कमांडर है कि वो ना सिर्फ अपने 3 बेटों को मारियोपोल में यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए तैनात कर चुका है, बल्कि उसने 12 फरवरी को एक खतरनाक टेलीग्राम पोस्ट पर बयान दिया था कि अगर हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन हमें अमेरिका से लड़ने का आदेश दें, तो हम अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हैं। मोल्दोवा देश की तो बात ही क्या करनी। सुप्रीम कमांडर पुतिन के आदेश पर चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि आदेश को पूरा किया जाता है। रमजान कादिरव इससे पहले भी बयान दे चुका है कि चेचन्या के हर बच्चे को पुतिन के लिए जंग लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। रमजान कादिरव ने अपनी वफादारी के दम पर पुतिन से अपने बेटे की मुलाकात तो करवा दी, लेकिन पुतिन ने बेहद चतुराई से रमजान कादिरव के बेटे से उसके दादा के बारे में चर्चा की। दरअसल रमजान कादिरव के पिता का नाम भी अखमत था और रमजान कादिरव के बेटे का नाम भी अखमत है। यानी नोट करने वाली बात यह है कि पुतिन ने कादिरव के बेटे को याद दिलाया कि उसके दादा भी रूस के प्रति सदैव वफादार रहे थे। अगर कादिरव का बेटा चेचन्या का नया गवर्नर बनता है, तो ये चेचन्या पर अखमत की तीसरी पीढ़ी का राज होगा। दरअसल साल 1999 में पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति का पद संभाला था और पद संभालते ही पुतिन ने चेचन्या पर सख्ती शुरू कर दी थी, क्योंकि तब चेचन्या बगावत के मूड में था। साल 2003 में चेचन्या के अंदर पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया और फिर अधिक स्वायत्तता दे दी। इस जनमत संग्रह के जरिए चेचन्या में नया संविधान बनाया गया। फिर पुतिन के आदेश पर चेचन्या में चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में रूस समर्थक नेता अखमत कादिरव की एक तरफा जीत हुई, जो रमजान कादिरव के पिता है, जबकि पूर्व राष्ट्रपति असलान मस्खादोव को चुनाव में शामिल होने की मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन 2004 में चेचन विद्रोहियों ने बम विस्फोट कर रूस समर्थक राष्ट्रपति अखमत कादिरव को मार डाला। जिसके बाद से चेचन्या में हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे। दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर चेचन्या को अस्थिर कर दिया गया, तो एक बार फिर रूस टूट सकता है। इसके बाद साल 2007 में पुतिन ने रमजान कादिरव को चेचन्या के अंदर पूरी ताकत सौंप दी, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान एक बार फिर साजिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व खुफिया अधिकारी रिबका कॉफलर ने बताया कि अगर चेचन्या में हिंसा फैलती है, तो ये रूस के लिए काफी बुरा हो सकता है। चेचन लड़ाके जानते हैं कि पुतिन की सेना का पूरा ध्यान यूक्रेन पर है। ऐतिहासिक रूप से चेचन्या पिछले 200 साल से रूस के लिए समस्या बना हुआ है। चेचन्या का पुराना इतिहास भी रक्त रंजित रहा है। यहाँ के लड़ाके 15वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे और अब रमजान कादिरव की बीमारी के बाद चेचन्या एक बार फिर रूस के लिए सिरदर्द बन सकता है।